ये बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कल सुबह ही अनंतनाग में जब मीटिंग थी तो उसमें कहा था कि मैं तवक्का करता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में 60-70% वोटिंग हो जाए, और मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि अब साउथ कश्मीर में बिल्खा खसूस 70-80% पोलिंग हो जाए, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उसमें लोगों को भी तसल्ली होगी और जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा जिस पार्टी का, उसको भी तसल्ली होगी और उसको भी जिम्मेदारी होगी कि मुझे लोगों ने चुना है। वरना ये 5-10% पे ना तो चुने हुए नुमाइंदे खुश होते हैं और वो कहते हैं हमें कौन सा वोट मिला है, ये तो अपनी ही पार्टी का इतना वोट था, और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने वोट ही नहीं दिया है तो मांगे किस मुंह से। तो ज्यादा वोटिंग होगी तो लोगों को भी ये हक से मांग सकते हैं कि हमने तुम्हें जिताया है, और जीता हुआ कैंडिडेट भी ये फर्ज समझता है कि उसे अपने फर्ज को निभाना होगा। आज ने कल इल्जाम लगाया कि गुलाम नबी आजाद